फाजिलका समाचार वेब टीवी देखे दर्शकों का स्वागत है। फाजिलका के गणनीय संस्था सेवा भारती फाजिलका इकाई द्वारा फाजिलका के मानव कल्याण वृद्ध आश्रम में पहुंचकर वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गो संघ दीपावली पूर्व मनाया गया। जानकारी देते प्रेस सचिव सोनू वर्मा महासचिव रमा भारती शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रक्लब प्रभारी एडवोकेट राजेश कुमार कटीजा द्वारा की गई। सेवा भारती की दीदियों द्वारा वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों व अन्य सभी को तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। दीदियों व उपस्थित सभी सदस्यों ईश्वर से प्रार्थना भी की गई। इस अवसर पर सेवा भारती के प्रांतीय अध्यक्ष श्री कृष्ण अरोड़ा, अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा व गिरधारी लाल अग्रवाल विशेष रूप से पहुंचे। इस अवसर पर अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा द्वारा दीपावली के पावन पर्व पर अपने विचार प्रकट किए और सेवा भारती द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर संस्था के श्री अशोक कुमार कारा द्वारा बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचारों पर सुंदर गीत गाकर समाज में बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करने का संदेश दिया। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होने पे हमसे भूल कर भी कोई भूले होना। इतनी शक्ति हमें दे बाप का दिल न तुम यूं दुखाओ, बुरे कर्म करके न उनको रुलाओ। दिल न तुम यूं दुखाओ, बुरे कर्म करके न उनको रुलाओ। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। तुम दिल उनका न कभी भी दुखाओ, बुरे कर्म करके न उनको रुलाओ। खुद भूखे रह कर के तुमको खिलाया, खुद भूखे रह कर के तुमको खिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, तुम प्यार उनका न दिल से भुलाओ, बुरे कर्म करके न उनको रुलाओ। तुम भी तो एक दिन माँ बाप बनोगे, तुम भी तो एक दिन माँ बाप बनोगे। औलाद से अपनी जो दुख ये कहोगे, गुजरेगी उनपे क्या सोचो बताओ, गुजरेगी उनपे क्या सोचो बताओ। बुरे कर्म करके न उनको रुलाओ। माँ बाप का दिल न तुम यूं दुखाओ, बुरे कर्म करके न उनको रुलाओ, न उनको रुलाओ। मानव कल्याण वृद्ध आश्रम सेवा पार्टी सेवा का मैंबर पहुंचे हैं। दिवाली इस पर्व पर उन्होंने बुजुर्गों याद आदर सम्मान किया है और कुछ के लिए फल फ्रूट वगैरह
लेकर आए। आगे भी यहाँ लोग पहुँचते हैं जी? हाँ जी, सुबह भर्ती के लिए यहाँ बड़ मौसम रहती है, पेड़ लगा कर जाते हैं, तो साल में 2-3 बार ये दुर्गा सम्मान करने के लिए आते रहते हैं। कितने पुरानी ये भानु कल्याण सभा? 10 सदस्य है फिलहाल, बहुत आते हैं बुजुर्ग, उनके बच्चे उनको आकर ले जाते हैं। आपका कहना है मतलब कई बुजुर्ग हाथ पे छोड़ भी जाते हैं फिर उनको लेके जाते हैं? हाँ भैया, महाराज अगर आ जाते हैं अगर ले जाते हैं उनको सेवा करते हैं, तभी हम उससे लिखवा कर विश्वास लेते हैं कि आप उनकी सेवा करोगे दिवाली का कार्यक्रम किया गया सीगा। उन्दे उपलक्ष दे विच सारे जने सेवा भारती दे मेंबर बुजुर्गों को ले आके उन्हों का आशीर्वाद लिया, उन्होंने तिलक लगाया, साड़िया दीदियां जिहड़ियां सारे सेंटर दियां उह साडे नाल आईयां ने। अगे भी सेवा भारती द्वारा इदां दे प्रोग्राम कीते जा रहे हैं? अज तो हर साल ही सेवा भारती वालों जिहड़े है कि दिवाली का कार्यक्रम अलग अलग जगह पर किया जाता है, बच्चों के नाल किया जाता है। असी BSF आर्मी के नाल दिवाली का कार्यक्रम करते हैं और असी पहली बार इस बार दिवाली का कार्यक्रम वृद्ध आश्रम के विच किया। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਔਰ ਸੇ सेवा की आज मानव कल्याण सभा वृद्ध आश्रम में पहुंची थी, जिस प्रकार हम दिवाली का पावन पर्व अपने घरों के अंदर अपने परिवार के साथ मनाते हैं, उसी प्रकार सेवा भारती ने ये प्रण किया हुआ है कि वर्ष में 1-2 बार हम वृद्ध आश्रम में जो हमारे बुजुर्ग किसी कारण भी घर से यानी कि वंचित रहे हैं उनका मान सम्मान करने के लिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हम आज वृद्ध आश्रम में दिवाली के पावन पर्व का जिस प्रकार हम घर में मनाते हैं और वहाँ पर यानी कि दिवाली का पावन पर्व हमने आज मनाया और इन वृद्ध लोगों का, हमारे पारिवारिक सदस्यों का हमने उनका आशीर्वाद ग्रहण किया और उस उपलक्ष्य के ऊपर हमने उनको फल और बिस्कुट और उनको दीपक, ताकि वह दिवाली वाले दिन दीपक जिस तरह हम अपने घरों में जलाते हैं उसी प्रकार यहाँ भी जलाकर भगवान रोशनी करें और दिवाली बड़ी धूमधाम से हम वो भी अपने परिवार समझ कर मनाएं। मेरा नाम प्रिया है और हम आज मानव कल्याण वृद्ध आश्रम में पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर क्या प्रोग्राम किया? यहाँ हम सब दीदियों ने और कार्यकर्ताओं ने दीपावली के उत्सव पर यहाँ पहुंचे हुए हैं। काफ़ी अच्छा लगा इन बुजुर्गों के बीच में यहाँ आकर। सेवा भारती परिवार की तरफ से हमें आज मौका मिला है इन यहाँ आकर इनके साथ बैठने का, पर मेरे हिसाब से ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि अपने परिवार के साथ दीपावली का उत्सव मनाया जाए। अच्छा होता अगर ये बुज़ुर्ग भी आज अपने परिवार के साथ होते। बाकी हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पहुँचकर इन बुज़ुर्गों के साथ बैठकर बातचीत करना।